इसी के साथ ग्वालियर से हमारे साथ संवाददाता प्रेमेन सिंह जुड़ चुके हैं आम जानकारी के लिए। प्रेमेन जी, क्या कुछ कहना है, अब तो आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, क्या कुछ वहाँ का माहौल है? जी अनिल, मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता जो लागू हुई है 29 तारीख से, उसके बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है और जितने भी बैरक पोस्टर शहर में लगे थे, जो मंत्रियों के या नेताओं के जो दौरे हो रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए थे, सबसे पहला काम जो प्रशासन ने किया है कि उन पोस्टरों को हटाया है पूरे शहर से, क्योंकि आदर्श आचार संहिता जो लग रही है उसको देखते हुए ये चीज चुनाव आयोग के जो नियम है उसमें ये चीजें नहीं आती कि आप किसी का प्रचार करें। अब जो भी प्रचार होगा, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पार्टी के कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, वो केवल अब बिना तामझाम के, बिना भीड़ भाड़ के और बिना काफिले के अपना प्रचार करेंगे घर घर जाके, और उसमें कोई भी ऐसा तामझाम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने भी इस मामले पे सही संज्ञान लिया था। ग्वालियर की जो खंडपीठ है हाईकोर्ट की, उसने संज्ञान लिया था कि पिछले दिनों जो सीएम शिवराज सिंह के कार्यक्रम हुए, काफी भीड़ ड्यूटी, उसमें ग्वालियर संभाल चंबल संभाग के सभी जिलों में भीड़ ड्यूटी, उसके अलावा कमलनाथ ग्वालियर आए, उनके उसमें भी काफिले में काफी भीड़ थी, काफी लोग थे, कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन था। इसको लेकर हाईकोर्ट ने एक जो रिट पिटीशन दायर की गई थी, उसने संज्ञान लिया है और कल ही पूरे 5 दिनों के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ के ये सख्त हिदायत दी है कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई पार्टी या कोई नेता या राजनेता अगर इसका उल्लंघन होता है या भीड़ लुटती है या कोविड का पालन नहीं होता है गाइडलाइन का, तो उन पर कार्रवाई प्रशासन करने में बिल्कुल अनिवार्य है। प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो फिर हाईकोर्ट कार्रवाई करेगा। तो एक बड़ा निर्णय है, बड़ी सोच है हाईकोर्ट की, कि जिस हिसाब से जो संक्रमण फैल रहा है, बीमारी फैल रही है और फिर चुनाव सिर पे हैं, तो चुनाव को देखते हुए ये सब चीजें की गई हैं और इसको देखते हुए प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है और पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है कि कोई भी अगर आयोजन होते हैं तो पहली बात तो प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, दूसरी बात कि जो भी मैदान निर्धारित किए गए हैं, जो भी राजनेता आएंगे या स्टार प्रचारक जो आएंगे, ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं उस पर आएंगे, तो उनके लिए पूरी तरह से ग्वालियर और जो डबरा विधानसभा सीट है, ग्वालियर में 3 सीटें हैं, विधान और डबरा में 1 सीट है, मतलब टोटल 3 सीटें हैं जिसमें ये 2 ग्वालियर की है और 1 डबरा की है। तो इसमें अगर उनको प्रचार करना है, कोई भी स्टार प्रचारक आ रहा है, तो उसके लिए मैदान निर्धारित कर दिए गए हैं। 12 मैदान ग्वालियर में है और 5 मैदान डबरा में निर्धारित किए गए हैं, तो उसके हिसाब से ही ये आयोजन होंगे और अगर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होता है तो कार्रवाई प्रशासन करेगा, ये हाईकोर्ट के भी निर्देश है। ये रणनीति जी प्रेमी जी, सभाओं के लिए किस तरीके के नियम लागू किए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए? सभाओं के लिए जो नियम है, साफ तौर पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए उसमें लिखा है कि आप जो भी राजनीतिक पार्टी आयोजन करेंगी उसमें कोविड गाइडलाइन का कैसे पालन होगा, कहाँ से लोग आएंगे, किस गेट से निकलेंगे, तो किस गेट में कैसे बैठेंगे आयोजन में, कितनी दूरी रहेगी, मास्क कैसे लोग पहनेंगे, अगर नहीं पहने हैं तो ये उल्लंघन उस श्रेणी में आएगा। तो ये सब चीजें पूरी तरह से एक प्रपत्र है, उस प्रपत्र में ये पूरी कलेक्टर को जानकारी देनी पड़ेगी इन लोगों को कि हम इस तरीके से आयोजन करेंगे और ये कोविड गाइडलाइन है, इसका हम पालन करेंगे। भीड़ अगर जुटती है तो भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी पड़ेगी, अगर मास्क कोई नहीं पहना है तो उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। तो ये सब चीजें एक प्रपत्र में मांगी गई है, जो भी स्टार प्रचारक आएगा, जो भी राजनेता आएगा, चाहे वो राज्य मध्य प्रदेश सरकार का हो या सेंट्रल से कोई नेता आए या स्टार प्रचारक कोई आए, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही है उसमें ये भी है कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करेंगे, गुर्जर बाहुल जो सीटें हैं गुर्जर जाति की उस पर उनका काफी इफेक्ट रहेगा, सचिन पायलट आएंगे, प्रियंका गांधी का भी दौरा बन रहा है, प्रियंका गांधी का भी दौरा बनेगा तो उसमें भी भीड़ जुटेगी। तो ये एक पूरी तरह से एक लिखित दस्तावेज देना होगा राजनीतिक पार्टियों को, तो वो किस तरीके से पालन करवाते हैं और कोविड गाइडलाइन का अगर उल्लंघन हुआ तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हाईकोर्ट का नियम है, हाईकोर्ट के निर्देश है, अगर जिला प्रशासन इसमें अक्षम साबित होता है तो हाईकोर्ट फिर संज्ञान लेगा और हाईकोर्ट अपना निर्णय देगा। जी धन्यवाद प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए।